हेलो चंद्रमान, चंद्रभान, 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 हेलो चंद्रभान प्रजापति, हेलो चंद्रभान, आवाज आ रही मेरी? चंद्रभान, यस सर, आ रही है सर। हाँ चंद्रभान है। और कौन है? प्रत्युष पांडे है। प्रत्युष पांडे सबको बोलना पड़ेगा। प्रत्युष पांडे है, प्रत्युष पांडे। यस सर, और ये कौन है? 54321@SICS, 54321@SICS कौन है ये? जब आपको बोला गया था कि आप नाम चेंज करिए तो आपने चेंज क्यों नहीं किया? हेलो, ये 54321 कौन है भाई? हेलो, 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 कौन है 54321? हेलो चंद्रभान, यस सर, ये कौन है प्रतीश फाइव पांडे। फोर ये फाइव प्रतीश पांडे बोल रहे हैं? नहीं सर, हाँ सर ये मेरा है, प्रतीश पांडे के नाम से सर मेरा। नहीं तो ये 54321 किसका है? नहीं पता सर। कौन लॉग इन हुआ है? कुछ बताए, नाम तो कम से कम इसमें शो होना चाहिए। यस सर, नहीं बोल रहा सर, तो रिमूव कर दीजिए जो ना बोले। फाइव फोर थ्री टू वन कौन है? हेलो, हेलो, चलो मैं थोड़ी देर का समय देता हूँ, फिर बताता हूँ मैं देख। आई बात करते हैं प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है इसके बारे में देखते सर हैं। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो है, जैसा कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सिलेबस में है भी नहीं, ये दोनों बातें हैं, ये केमिस्ट्री के सिलेबस में है और आपको अभी मॉड फंक्शन पढ़ने होंगे, तो उसके पहले ये जानना जरूरी है क्या होता है, इसलिए मैंने ये बताया। तो प्राइम फैक्टर में ये होता है कि हम कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल या ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ होल नंबर, इसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल आइडेंटिफाई प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स एंड रिप्रेजेंट्स द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर्स फाइंड एंड शो। कैसे हम फैक्टराइजेशन करेंगे प्राइम नंबर्स का, कैसे उसको शो करेंगे, कैसे उसको फाइंड करेंगे। और इसके बाद जैसे कि बात करते हैं, होता है कि वार्म अप। तो वार्म अप का मतलब यहाँ पर यह है कि राइट ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर। ओके, विजया और अजय जी, अजय साहू बोल रहे हैं ना? विजया, विद्या बोल रही हो ना? अजय साहू, ओके। तो ओके, पलक मिश्रा, तो आइए देखते हैं वार्म अप में। तो
तो ये कुछ तरीके होते हैं होल नंबर्स को मैनी वे एज पॉसिबल, जैसे कि 16 का हमने फैक्टर कर रखा है, आपको 60 का कैसे करेंगे, 36 का कैसे करेंगे। तो जैसे कि 16 है तो 16 में एक फैक्टर इसका 1 हो सकता है, दूसरा देखे तो 8:2 हो सकता है, तीसरा देखे तो 4:4 हो सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखें, ओके मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं आपको करके बताता हूँ एक बार। ये देखिए, सपोज करिए आपके पास कोई बोलिए 16 है, हमें 16 का करना है प्राइम फैक्टर। तो 16 का हम क्या कर सकते हैं, एक बात तो 16 को हम प्राइम फैक्टर में तोड़े दो पार्ट में, तो क्या कर सकते हैं 2 × 8 ये कर सकते हैं। तो 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, अब हम इससे आते हैं, इसको भी हम इसका प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं 2 × 4 है ना, ऐसे करके इसी तरह 2 हमारा वैसे ही रहेगा, 4 पे आए अगर इसको हम क्या कर सकते हैं 2 × 2 अर्थात 2 × 2 ये 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, मालूम है ना आप लोगों को, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैं दे दूं 30, 30 को भी हमें मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले देखिए 30 में 30 आपको क्या होगा 5 × या आप कह सकते हो और छोटा अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर लेके चले तो उसको भी लेके चल सकते हैं अपन, यहाँ पे ले सकते हैं कि हमें ले लिया 2 यहाँ ले सकते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं 15, ये देखिए 15, तो 2 × 15 हो गया। अब ये तो हमारा फिट हो गया, इसका तो फैक्टर नहीं होगा, इसमें आए अगर तो इसका फैक्टर देखें 15 का तो क्या हो सकता है 3 × 5 ये फैक्टर होगा आपका राइट। तो अब 3 × 5 हो गया। तो अब ये देखिए तीनों के तीनों आपका जो वैल्यू आया है यहाँ पे वो आया 2 × 3 × 5 ऐसे करके, ये एग्जाम्पल्स थे जो मैंने भी आपको बताया। अब मैं वापस अपने शेयर वीडियो में आता हूँ। तो आइए चलते एक बेसिक ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं इसमें शेयर में, ये दूसरी स्क्रीन आपके सामने आ गई है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है ऑफ फैक्टरिंग अ नंबर इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर, जो अभी कर रहा था। द फैक्टर्स विल बी प्राइम नंबर, अगर आपका फैक्टर्स क्या है प्राइम नंबर होगा। तो हियर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, क्या देखते हैं ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हैव बीन एक्सप्लेन which will help to students understand how to find the prime factor of a number easily, जैसे कि अभी आपने किया। ओके, तो the simplest algorithm to find the prime factor of a number is to keep on dividing the original number, dividing the original number by prime factor. By prime factor.
by prime factor until we get the remainder equal to 1, यानी कि रिमाइंडर आपका वन बचता है अधिकतर। जैसे कि देखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 30 वी गेट 3/2, उसे डिवाइड किया तो 15 आया, 15 को 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, 5 को इक्वल के तो 1 आया, तो लास्ट में 1 ही बचता है। तो सिंस वी रिसीव द रिमाइंडर इट कैन नॉट बी फर्दर फैक्टराइज, देयरफॉर 30 इज दिस, तो है 2 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर। ये आप समझ गए, सिंपलेस्ट एल्गोरिथम थी ये। द फर्स्ट क्यू प्राइम नंबर, ये आपके फर्स्ट क्यू प्राइम नंबर हैं, दीज प्राइम नंबर कैन मल्टीप्लाई विद एनी नेचुरल नंबर प्रोड्यूस द कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर को प्रोड्यूस करते हैं। तो डिफिनेशन ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज डिफाइंड एज अ वे टू फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर सच दैट ओरिजिनल नंबर इज इवनली डिविजिबल बाय दीज फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर हैज मोर देन टू फैक्टर, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली द कंपोजिट नंबर एंड नॉट फॉर द प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर में लागू होता है। जैसे 126, इसमें कहते हैं प्राइम फैक्टर में 126 विल बी 2, 3 and 7 एंड 2, 3, 3, 7 इक्वल्स टू 126, तो ये 2, 3, 7 आपको क्या कहलाया, प्राइम नंबर कहलाया। और इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन में देखिए कि आपको इसमें 12 है, 12 विजय 2/2 × 3 कह सकते हैं, 18 का देखिए, ये 24 का देखिए, 20 का देखिए, तो ये सब प्राइम फैक्टर में आपको कन्वर्ट होगा, सबके सब क्या है, प्राइम नंबर फैक्टर है। तो प्राइम नंबर है मल्टीप्लाइड बाय एनी नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट नॉट जीरो, वो जीरो से बस मल्टीप्लाई ना होगा, तो गिफ्ट क्या है, कंपोजिट नंबर देता है आपको, यानी सभी प्राइम नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नेचुरल नंबर से किसी भी होल नंबर से, तो आपको एक कंपोजिट नंबर वो दे देगा। बेसिकली क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज परफॉर्म ऑन द कंपोजिट नंबर टू फैक्टराइज देम एंड फाइंड द प्राइम फैक्टर। तो ये मेथड होता है इन केस ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल गिवन अ सेट ऑफ नंबर। तो अगर दो नंबर दिए हों तो आप उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज लार्जेस्ट फैक्टर इन बोथ द नंबर एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द बोथ द नंबर। जो प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर, ये प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर आर द सेट ऑफ प्राइम नंबर व्हिच व्हेन मल्टीप्लाई बाय टुगेदर विद एक्चुअल नंबर। तो प्राइम फैक्टर डिवाइड द नंबर कंप्लीटली, इट इज सिमिलर टू फैक्टरिंग अ नंबर एंड कंसीडरिंग ओनली द प्राइम फैक्टर अमंग द फैक्टर। एग्जाम्पल के तौर पर देखें 6 का प्राइम फैक्टर क्या है, 2 × 3 भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। फैक्टर ऑफ 36 देखिए, फैक्टर ऑफ 24 देखिए, फैक्टर ऑफ 12 देखिए, फैक्टर ऑफ 48, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि इसके कितने मेथड होते हैं, इसके दो मेथड, एक डिवीजन मेथड है एक फैक्टर ट्री मेथड। तो जो डिवीजन मेथड है उसमें स्टेप क्या अपनाते हैं, डिवाइड द गिवन नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझिएगा अगले बात को, आप अपने नंबर को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। इन दिस केस द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर शुड डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली, दूसरा यानी कि जो भी नंबर दिया है वो आपके स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड तो करेगा, जरूरी नहीं कि 2 से ही करो, उस नंबर के अकॉर्डिंग वो स्मॉलेस्ट हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही है। इवन प्राइम नंबर क्या है, 2 ही है। अगेन डिवाइड द कोशेंट बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द कोशेंट बिकम्स 1, जब तक आपका रिमाइंडर 1 नहीं आ जाता है तब तक आप इसको इस प्रोसेस को अप्लाई करते रहें। तो फाइनली मल्टीपल ऑल द प्राइम फैक्टर, जैसे कि अभी आपने ऊपर किया, जैसे देखो बिलो द डिटेल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्राइम फैक्टराइजेशन बाय टेक टू 460 यानी 460 का हमें प्राइम फैक्टर यूज करना है। तो 460 में आप देखें
तो 460 में क्या है कि आपने जैसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 230 आया। फिर स्टेप 2 में आपने क्या किया 230 को आपने लीस्ट प्राइम नंबर से फिर से अगेन वही प्रोसेस रिपीट किया। तो जब आपने वही प्रोसेस रिपीट किया तो 160 आपको क्या मिला, 230 को फिर से किया तो आपको क्या मिला 160 मिला, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 115 आपको मिला, फिर 115 को डिवाइड किया तो अब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा 5 से। तो इसके लिए इस नंबर के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हुआ और इस नंबर के लिए आपका इस नंबर के लिए ये स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। ओके तो 5 से डिवाइड किया 23 आया। अब आज 23 ये प्राइम नंबर डिवाइड इट विथ इटसेल्फ टू गेट। अब 23 को आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, ये डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 स्क्वायर, मतलब 2 × 2 × 5 × 23 की आपका प्राइम फैक्टर। अब इसी तरह हम बात करें फैक्टर ट्री मेथड। अगर हम फैक्टर ट्री मेथड की बात करें तो टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन टू गिव ए नंबर यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड फॉलो द बिलो स्टेप्स। कैसे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कंसीडर द गिवन नंबर एज ए रूट ऑफ द ट्री, रूट ऑफ द ट्री एक नंबर कंसीडर करेंगे। फिर राइट डाउन द पेयर ऑफ फैक्टर एज ए ब्रांचेज ऑफ ट्री। फिर इसके बाद अगेन फैक्टराइज द कंपोजिट फैक्टर, राइट डाउन द फैक्टर पेयर एज ए ब्रांच, रिपीट दिस स्टेप अंटिल द प्राइम फैक्टर ऑल द कंपोजिट फैक्टर। जैसे 60 का दिया हुआ तो 60 को डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड किया हमने 6 × 10 और 6 को डिवाइड किया 2 × 3 और 10 को 2 × 5। तो कोशिश करिए पहले बड़े नंबर से उसको तोड़ दें ताकि लास्ट में हमको प्राइम फैक्टर मिल जाए। फिर 282 क्या किया, इसको 2 से किया, इसको 141 से किया, 141 को डिवाइड किया 3 और 47 से डिवाइड हुआ। इस तरह करते करते ये सारी की सारी चीजें, अब जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1240। तो देखिए पहले 2 से डिवाइड किया, हाँ डिवाइड किया तो कितना है 620। फिर दोबारा डिवाइड किया 2 से तो कितना आया 310। फिर डिवाइड किया 2 से तो 155। फिर 5 से डिवाइड होगा 31। फिर 31 से ही डिवाइड होगा तो इसका प्राइम फैक्टर कितना आया 2 to power 3 × 5 × 30। ऐसे इसी कंडीशन में आप सबको कर सकते हैं। अच्छा इसमें इस वर्कशीट में है ये क्वेश्चन, आप थोड़े प्रैक्टिस करिए कि व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 क्या हो सकता है और राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2664 विदाउट यूजिंग एक्सपोनेंट एंड इज 40 = 2 × 2 एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस जस्टिफाई। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस है, इसको जस्टिफाई करना है। राइट दिस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इसके कितने प्रोडक्ट होंगे प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट वो आपको इसके निकालना है। ये 4 क्वेश्चन आपके वर्कशीट में दिए हुए हैं, इसको आपको करना है जो आपको इजीली दिख जाएंगे वीडियो में। एंड मैं इस पर नोट भी भेज दूंगा आप लोगों को। एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन, देखिए कह सकता है डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन, ऐसे डिफाइन करेंगे। फिर कह सकता है व्हाट आर द 2 डिफरेंट मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ अ नंबर, तो 2 मेथड कौन कौन से हैं, देखिए ये बन गए। फिर कह देगा कि राइट डाउन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो आप ऐसे बना लें। फिर कहेगा व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 999, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो सकता है। फिर कह रहा है फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 50, ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं नॉर्मली। ये बेसिकली आपके एमएससी में जो आईएस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उनमें ये टॉपिक दिया हुआ है कि एलिमेंट्री नंबर थ्योरी में प्राइम नंबर फैक्टरिंग क्या है और मॉडलर अर्थमेटिक में आपका GCD है, ये सारी चीजें मुझे बतानी है। तो ये हालांकि है PG में लेकिन आप लोग भी सीख लीजिए प्राइम फैक्टर भी, और इसके बाद GCD बहुत इंपॉर्टेंट है RSA पढ़ने के लिए।
तो ये दो 3 दिन चलेगा भी टॉपिक आपके ये, इससे आपको फायदा होगा, लाभ होगा। ओके, तो ये थे आपके मेन एक्सरसाइज में। अब एक बार आप दोबारा चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड पे। जैसे कि मैं आपको स्लाइड और दिखा रहा हूँ, देखिए ये फैक्टर्स है आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया। और जैसे कि देखिए, ये एक एग्जाम्पल लेते हैं, कह रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑफ एटीन। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि एक तो 1 into 18, हाँ जी सही है, फैक्टर हो सकता है। फिर 2 into 9, हाँ जी फैक्टर हो सकता है। फिर कह रहा है 3 into 6, हाँ जी फैक्टर हो सकता है। 4 into something हो सकता है, नहीं। 5 into something हो सकता है, नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है, रिपीट क्रॉस। ये देखिए जो क्रॉस है ना, इट आउट बी आर डन। तो आपका जो देखा जाए इसके फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, तो 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 6, 9 and 18, ये सारे के सारे हमने उतार लिए 20 फैक्टर या 18 के आपके फैक्टर्स कह रहा है। मतलब व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 18, जो मैंने 15 का पूछा है। ये अगर आपसे फैक्टर पूछता तो फैक्टर ऐसे लिखिए, आपसे फैक्टराइजेशन नहीं पूछ रहा है, वो आपसे फैक्टर पूछ रहा है। तो इतने आपके फैक्टर हो सकते हैं। ये देखिए जैसे अगला है, 7 का फैक्टर पूछ रहा है। तो 7 फैक्टर में देखो, उसे 1 into 7, बस दो ही होंगे, 1 out 7 हो गया फैक्टर। जैसे पूछ ले कि प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, तो देखिए प्राइम नंबर आर नंबर्स दैट ओनली हैव 2 फैक्टर, 1 and the number itself, बस दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ये देखिए एग्जाम्पल लिए, ये आपके प्राइम नंबर। अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर प्रोडक्ट पूछता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि 15 इज ए कंपोजिट नंबर, यस इट कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 3 into 5, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 3 into 5। कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ये उसके नियम है जो मैं भी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिमेंबर द प्राइम नंबर लिस्ट, ये आपकी प्राइम नंबर की लिस्ट है, देख लीजिए जिसको नहीं पता इतने प्राइम नंबर होते हैं। ये देखिए आपका प्राइम फैक्टर ऑफ 100 निकाला उसने, जिससे पहले 2 से किया, फिर 50 से किया, 50 को फिर 2 से किया, फिर 25 से किया, फिर 55 से किया। तो 2 इज द प्राइम नंबर, सो वी आर डन विद इट। बोथ नंबर आर प्राइम विद इन अस विद ऑल प्राइम नंबर। यहाँ पे देखो डिवाइड करता जा रहा है, बताता जा रहा है, इससे हमने क्या किया, ये देखो पूरा पूरा इसको व्हाट द आंसर, ये आंसर आपका अलग अलग एग्जाम्पल का ये आंसर आपके पास दिया हुआ है। एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब है कि we have just listed our prime factorization for 100 has been 2 into 2 into 5 into 2 times 2 times 5 times 5. So this is a repeated multiplication. So repeated multiplication can be expressed with component. यानी कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसे कंपोनेंट में लिखेंगे, सॉरी एक्सपोनेंट में लिखेंगे। कैसे, 2 टाइम्स 2 कैन बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म 2 to power 2, 5 to 5 can be expressed 5 to power 2. So put it together, so this ये जो value दी है 2 times 2 times 5 times 5 is more simply but 2 to power 2 5 to power 2, so this is a exponent form। मेरी बात समझ आ रही है, ये आपका एक्सपोनेंट फॉर्म है। मैंने प्रोडक्ट सारे फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, जो कुछ अभी मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ। जैसे 54 है, तो 54 का क्या दिया, 2 into 3 into 3, यानी कि 2 into 3 के पावर 3, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म। ओके, किसी कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, एक्सरसाइज भेजूंगा इसकी, आप करिए घर पे। कोई पूछना चाह रहा है, तन्वान ये @SICS जो भी है नाम बता दे भैया, अटेंडेंस बननी है मुझे। ये 5, 4, 3, 2, 1 जो भी है नाम बता दो, मैं अटेंडेंस लगा लूं आपकी। अबे इंटरनल भी जाएंगे भाई,
54321 जो भी है बताएं मुझे नाम। ओके okay।